सो वेलकम गाइस टू आर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। ये वीडियो बहुत सही बनी है एंड इसमें अपन रैंडम के साथ खेल रहे हैं और अपन जाएंगे नो, जैसे कि आप देख सकते हैं नो से जा रहा है प्लेन। सो अपन पहले क्लोजेस्ट हॉट ड्रॉप पे जाएंगे जो कि है नोवो और मैं नंबर फर्स्ट हूँ एंड 2, 3, 4 आर रैंडम। जो फाइट हुए इसमें एकदम गदर, आप लोग देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा और गैजा मिल जाएगा आपको। सो अपन पहले उतरते हैं, सबसे फास्ट लैंडिंग मेरे को फॉलो करें। ये लोग मुझसे बोले थे वॉइस चैट खोलो बट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं खोल नहीं पा रहा था वॉइस चैट। एंड सबसे पहले तो यहाँ एक ही स्क्वाड आती है तो थोड़ी बट हो जाते हैं अच्छे खासे, फिर अपन यहाँ से निकल कर रश करते हैं। सो सबसे पहले अपन यहाँ उतरते हैं एंड देन गन मिल जाती तो अपन तुरंत रश करते हैं, बट मेरे को मिलता है एक क्रॉसबो और सामने एक स्क्वाड दिखती है अपने को पूरी। क्रॉसबो से तो मार नहीं सकते, तो सबसे पहले अपन अपनी लूट कंप्लीट करते हैं देन उस पर रश करते हैं। ऊपर तो गन ऊपर रहेंगे तो शॉट्स पड़ सकते हैं, इसलिए अपन नीचे आ जाते हैं लूटने। एंड यहाँ पे मेरे को एक स्कार मिल जाती है, अब मेरे पे एक मौका था रश करने का, वेज भी मिल जाती है, लूट कंप्लीट होती है। और यस, ये पहला मैच है गेम, मतलब सीजन 13 का ये फर्स्ट मैच था और तो इसमें मेरा एम असिस्ट भी ऑफ गेम में, एक्चुअली नया नया एम असिस्ट ऑफ ट्राई किया था मैंने और ये पहला मैच था। इसको अभी मैं डालो, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी आप इन्जॉय करो देख के। और क्लचेस भी हैं मस्त एकदम। अब यहाँ पे मैं एमो ढूंढता हूँ अपनी, मेरे पे एमो नहीं बचती, 25-0 होती है और हमारे रैंडम तो अपने अलग लूट रहे होते हैं। अब यहाँ पे लूटने के बाद अपन कहते हैं चलो रश करें, ख़त्म करें जल्दी से। और जहाँ वहाँ पे बॉट आ गए थे तो अपने पे एक टाइम मिल गया था कि अपन रश कर दें उन पर, सो अपन तुरंत जाते हैं। एज सून एज वी हर्ड द बॉट वी रश एंड मैं लेफ्ट से जाता हूँ, लेफ्ट से ईजी रहता है अगर बंदे उस साइड हो तो। यहाँ से अपन पूरा स्ट्रेट जाते हैं, लेफ्ट के घर भी चेक करते हुए जाते हैं कहीं वहाँ कोई कैंप ना कर रहा हो। अब अपने को इतना तो पता था कि बंदे इन्हीं कंटेनर्स के आसपास हैं बट कहाँ है अपने को कोई आइडिया नहीं था, तो अपन थोड़ा वेट करते हैं यहीं पे ताकि कोई दिखे या एम आए किसी पे तो उस पर हम लोग मारे उसे नॉक फिनिश निकालें। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ ताकि कोई बंदा बंदा दिखे बट कोई दिखता नहीं आसपास। पहले एक बार मैं पीछे भी चेक कर लेता हूँ ताकि स्क्वाड हाउस में कोई ना बैठा हो, ताकि पीछे से ना पड़े मेरे को कहीं से। एक बार चेक कर लिया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मेरे को साउंड आता है कोई चल रहा है आसपास। यहाँ पे एक बंदा दिखता है, मैं इस पर फायर करता क्योंकि मेरे को पता था कि इसको मैं नॉक भी कर लूँगा तो फिनिश नहीं हो पाएगा, रेव हो जाएगा, रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो मैं थोड़ा और वेट करता हूँ एंड यहाँ एक बंदा आ जाता है, इतना कैंपर होता है आके एकदम टीपीपी ले रहा होता है, हम लोग कोई जैसे आके मार देगा। ये देखिए ये आया, मतलब इसको वो आके टीपीपी ले रहा है हम लोग के सामने। अब यहाँ पे तीन ही बंदे बचे होंगे, एक ऑलरेडी नॉक था, एक रेव देगा, दो सेकेंड लास्ट वाला उसको रेव देने चल जाते हैं, देख रहा है स्क्वाड है तब भी वो रश दे रहा होता है, पता नहीं क्या सोच के रश रेव दे रहा होता है। और यहाँ पे सबको नॉक करने के बाद फिनिश भी किया, फिर इनको लूट पाट के अपन निकलते हैं। इसको भी फिनिश करते हैं, होता है इसको जाने दे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे किसी को। सबको फिनिश करने के बाद अभी इनका एक बंदा पता नहीं कहाँ था, ये तो तीनों थे और तीनों नॉक हुए, मेरे को तो लगा एक बंदा रैंडम होगा बोल दिया होगा भाग जाओ यहाँ से हम नहीं आएंगे हॉट ड्रॉप पे, ये हुआ होगा। इसको भी लूट लिया, फिर अपन बोलते हैं गाड़ी निकालते हैं लेट्स गो, वेट फिर अपन निकलने वाले होते हैं गाड़ी में, बोलता हूँ अपने बंदे से निकालो, बट उससे पहले बगल में बॉट की आवाज़ आ जाती है तो अपन चले जाते हैं बॉट मारने। पीछे से भी बॉट आता है बट मेरे टीममेट चले जाते हैं उनको मारने, मैं सोचा वही मार देंगे इससे पहले मैं जाऊँ एंड के मस्त। बट मैंने गौर किया ये बॉट किसी को मार रहा तो एक और बॉट होना चाहिए, अभी तो चलाएगा नहीं गोलियाँ किसी पे। सो यहाँ पे गया मैं उसको बॉट को लूटने और देखते हैं यहाँ कोई और है तो। फुटस्टेप तो कुछ नहीं आए बट इधर देखिए इस
इसको लूटा और ये बंदा यहाँ AFK बैठा था। फिर तुरंत अपन गाड़ी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, सोचते ब्रिज कैंप होगा तो ब्रिज पे बंदे मारेंगे, बट यहाँ पे कोई होता नहीं। अपन पूरा चेक करते हैं, मिलिट्री साइड ही जाते हैं बट वहाँ पे भी कोई नहीं होता, तो पूरा यहाँ से निकल के बाद सामने फ्लेयर होती बट वो बहुत ही दूर होती तो अपन जाना उसको अच्छा नहीं समझते, सोचते और कहीं बंदे मिल जाए। तो यहाँ से अपन जाते हैं पूरा रोजा खेल बंदे ढूंढने, और रोजा खेल आते ही अपन ऊपर थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं रोजा को चेक करते हैं, स्कूल चेक करते हैं अगर बंदे बंदे हो तुम्हारे, तो यहाँ पे पूरा चेक करते हैं। मेरे बंदे हर जगह देख रहे होते हैं, ये रैंडम अच्छा खेलते हैं बट इतने भी नूब नहीं थे ये रैंडम। और अपन यहाँ पूरा देखते हैं बट कोई देखता नहीं, तो बट यहाँ पे एक ड्रॉप दिखता है तो मैं सोचता हूँ चलो ड्रॉप ही हंट किया जाए, और यहाँ कोई आते ही नहीं, नंबर टू तो मस्त आ जाता है। ये नंबर थ्री और नंबर फोर की अलग ही दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा होता है, ये देखो क्या कर रहे होते हैं ये लोग। इनसे बोलता हूँ अपनी गुलाबी दुनिया में ये लोग मस्त रहते हैं, मैं बोलता हूँ आ जाओ, फिर आते एकदम प्यार से। फिर अपन सीधा निकल लेते हैं ड्रॉप पे, भगा के एकदम गाड़ी, एंड ड्रॉप पे पहुंचते हैं। यहाँ पे मेरे को मेरी सबसे फेवरेट गन मिल जाती है जो कि है ऑफ बेस्ट प्ले गन, इसको मैं तुरंत ले लेता हूँ, इससे पहले कोई और चुरा ले। और जैसे ही ड्रॉप लूटते हैं तुरंत पीछे से गाड़ी की साउंड आ जाती है, एक गाड़ी से एक बंदा निकलता है, मैं इससे बोलता हूँ ड्राइविंग ड्राइव मेरे को करने तो देता नहीं है। फिर यहाँ एक बंदे को मारने क्या हगा था बिकॉज ऑफ एम असिस्ट, नहीं पाते उस पर बंदा है चूते होते अपने नंबर टू। और यहाँ पे अब यहाँ से अपने को अपार्ट से गोलियाँ पड़ रही थी बट अपन ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस था, कोई स्प्रे ले के भी M4 का स्प्रे नहीं दे सकता इतना अच्छा कि नॉक नहीं पड़े। तो जैसे ही गोलियाँ वहाँ से पड़ने लगी अपन ने सोचा चलो गाड़ी निकालें, उन्हीं पर रश कर दें। सो इस क्रेट को लूटने के बाद अपन गाड़ी में बैठते हैं, रश कर देते हैं। Get in the car. ये बंदा ड्राइव ही करे पड़ा था, मेरे को ड्राइविंग नहीं दे रहा था, मैं रैंडम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता वो ड्राइव करें, मैं इसको मुक्के मारता मेरे को ड्राइव करने दे, तब दी ड्राइव करने को और फिर भगाया अपने ने। और सीधा अपन आ गया पार्ट पे, उनसे फाइट लेना। आप गाइस देखो यहाँ पे क्या स्कैम कर रहा है, अभी बेस्ट फिट है अगर आपको अपार्ट में फाइट जीतनी हो ये करो, आप हमेशा जीतोगे फाइट हमेशा। अगर छत पे बंदे हो आपको जीतने हो उनसे मारना, मारना उन्हें मरना क्यों, मरोगे थोड़ी ना मारोगे। पहले तो यहाँ पे बाहर से बंदा था मेरे को लगा कोई कूद के आया, फिर पता चलता है ये बॉट होता है, मैं तुरंत इसको कूद के मार देता हूँ, फिर पता चलता है इट वाज बॉट, मार लेगा मेरे को, उससे मेरे को 6x मिल जाता है फाइनली एक बॉट से। इसको मैं पहले 3x कन्वर्ट करता हूँ, ऑक पे भी इसको मैं 3x कन्वर्ट करता हूँ, मैं फुल सक्सेस चलाता नहीं। फिर एक और बाहर कूदा, ये भी मेरे को लगा बहुत था, ऐसे ही चलते चलते अपने 10 किलो गए एंड 33 अलाइव। और फिर अपन सोचते अब चलो यार ऊपर वालों को मारो, इनको बहुत टाइम दे दिया जीने का, अब लेट्स गो इनको मारने चलें, लेट्स गो। मैं अकेले तो नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली, नॉक एंड फिनिश होगा, मैं अपने साथियों को कह देता हूँ आ जाओ लेट्स गो। अब देखो भाई क्या स्कैम होता है इनके साथ, अब देखो आपको अगर ऐसी फाइट जीतनी हो एक स्मोक डाल दो पहले सीढ़ियों पे, एंड स्मोक होने दो, भाई बचा था मैं यहाँ पे, स्मोक होने दो एंड जब स्मोक पूरा हो जाए तो जाओ, ताकि कोई TPP ले रहा हो आपको नहीं देख पाएगा, और यहाँ से आओ और कूद जाओ यहाँ से। अब देखो भाई क्या मारा मैंने इन लोग को बेचारों को, कुत्ते की मौत मारा। तो तीसरा बंदा एकदम पैनिक होकर एकदम पीछे आ जाता है, देखते देखते 13 किल होते हुए अपने, एंड देन अपन निकल रहे थे गाड़ी निकालते कि एक और स्क्वाड की आवाज़ आ जाती है पीछे से, मैं तुरंत उतरता हूँ और उस पर जाता हूँ, वो यहीं रुक जाते हैं, नूबड़ी स्क्वाड होती है बहुत, मैं अपने बंदे को बोलता हूँ आओ बैठो, बट तुरंत एक स्क्वाड आती है पीछे से, साउंड आता है मेरे को, और जैसे ही साउंड आता है मैं उतरता हूँ एंड देखते हुए कहाँ जा रही है, यहीं रुक जाती है। देखो भाई इसको भी मैं क्या क्लच मारता हूँ इसका, एक इसे एक नॉक, अब एक नॉक करने के बाद मैं गन बदलता हूँ ऑग एंड देन मार देता हूँ ऑग 6x मस्त।
अब मेरे को यहाँ पे साउंड आती है, राइट वाले घर में बंद है तो मैं सामने से जाता नहीं, वरना वो मेरे को ऑब्वियसली तो मारने। ये इधर था, ये भी गया, एंड लास्ट वाला मेरे को पता है सामने वाले अपार्ट में है, बट यहाँ से वाली विंडो से जंप करके आता हूँ। मेरे को पता था वो यही है, एंड इस पर भी मैं रश कर देता हूँ, बट अकेले नहीं रश करता, मेरे को पता था अगर ये नॉक कर दिया इसको तो मेरे को ये पूरा खाएगा, तो मैं इस पर अकेले रश नहीं करता। मैं अपने बंदों को बुलाता हूँ, आ जाओ कवर देने, आ जाओ मेरे को, और वो बंदे आते हैं, वो बंदा अपने सीढ़ियों पर नेट करवाता है ताकि कोई रश ना करे, बट उसका मैं वेट करता हूँ उसको नेट करने दो, जैसे नेट कुक करता है मैं तुरंत रश कर देता हूँ, सुनना, जैसे ही नेट खींचने की आवाज़ है मैं तुरंत रश कर देता ताकि उस पर वो भी नेट लेकर स्मोक करता है, उस पर नेट ही बचा होता है। फिर यहाँ पे भी इन सबको लूटा पन्ने, तुरंत गाड़ी निकालते हैं और बंदे मारने के लिए। अब यहाँ से अपन जाते हैं पोचिंग की, और यहाँ आने के बाद पोचिंग की कि मेरे को राइट से बाइक की आवाज़ आती है, कोई बाइक चला रहा है। अब मैं सोचा चलो अपने बंदे ही मार देंगे, बट भाई किस्मत देखना ये किल भी मेरे को ही मिल जाता है, वो बंदे तुरंत उतर जाता है, मैं उस पर गाड़ी चढ़ा देता हूँ। अब इसको अपन ने थोड़ा लूटा, एंड तुरंत एक साउंड आ गया कि एक और गाड़ी आ रही है, तो मैंने अपने बंदों को बोला तुरंत बैठो इससे पहले कि वो गाड़ी आके हम लोग को बूम बाम मचा दे। तो यहाँ आने से पहले वो आ गए थे, तुरंत मैं उतरता हूँ, और इनका लास्ट बंदा पता नहीं कहाँ होता है, वो मेरे को मिलता ही नहीं, पहले तो इनको फिनिश करता हूँ। 19 किल हो गए यहाँ पे, आया या इसको मार दिया, नहीं नहीं लास्ट नहीं होता है वो, ये 20 किल तो मेरे हो गए ऐसे ही देखते देखते मस्त। फिर यहाँ से अपन निकल के जाते हैं स्क्वाड हाउस की ओर, और बंदे ढूंढने, 20 किल हो चुके हैं अभी, 21 बंदे बचे थे हम लोग को मिला के, और 20 किल होने के बाद अपन जाते हैं और बंदे मारने, एम था 25 किल से ऊपर करने हैं, और हो भी जाते वो पूरा। अब यहाँ से अपन जाते हैं स्क्वाड हाउस, देखें कि वहाँ बंदे वंदे होते हैं या नहीं, बट यहाँ पे कोई नहीं होता, सीधा अपन स्लैमिंग दे देते, होगा भी तो अपन मार ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं रखते। अब यहाँ पे आने के बाद अपन गाड़ी वाड़ी अंदर लगाते हैं, गाड़ी सेव कर ले, वरना जोन अगर गलत बना तो मर ही भी सकते हैं, बंदे जोन कट ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ गाड़ी अंदर लगाने के बाद अपन को साउंड आता है एक और गाड़ी आ रही है, तो अपन इस पर चले जाते हैं मारने। और भाई यहाँ पे जो चोरी होता है ना मेरा भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसा क्यों चोरी होता है। देखो ये सामने से आ रहा था, एंड देन यहाँ पे भाई ये जो M4 चला रहा है ये मस्त जोन में आ रहा था, मैं इसको मार देता, बट किसी और ने M24 चिपका दी बेचारे पे, इसको मैं मार नहीं पाया, देता हूँ मैं यहाँ पे मस्त 22 किल हो गए मेरे यहाँ पे। अब देखो भाई क्या नॉक करता हूँ मैं ऑक 6x से, पहले तो मेरे को ये बंदा दिखता ही नहीं कहाँ है, फिर थोड़ा ढूंढता हूँ तो देखता पेड़ के पीछे, और ये देखो मतलब इसको एक हेडशॉट और दो बॉडी लगे, बट ये बंदा नॉक नहीं हुआ। लेवल 3 का इक्विपमेंट्स हो गया इस पर। फिर देखा एक बंदा मार रहा होता है, इसको मैं नॉक करता हूँ, एंड इसका एक साथी अब मेरे को पता था रेड में है, इसको भी नॉक एंड फिनिश कर नॉक किया। इस मेरे को ये भी पता था उसके अंदर ही एक बंदा बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक को हेड भी पड़ा, मेरे को लगा कि इतना मारे मेरे बंदे किल चुरा लेंगे, बट वो मार ही नहीं पाए उसको। और यहाँ पे मैं इस स्क्वाड को भी फिनिश करता हूँ, और मेरे हो गए देखते ही देखते 25 किल। अब यहाँ से फिर से अपन निकलते हैं, 6 बंदे अलाइव थे, मैं सोचा था अभी भी हो सकते हैं, अब तो 4 ही बंदे बचे थे, तो मैं सोचा 29 किल्स करते हैं लेट्स गो, बट यहाँ पे एक बंदे फ्लेयर चला देते, मतलब एंड जोन में फ्लेयर चला रहे हैं आप देख रहे हैं, फिर इन पे आ जाते, मैं सोचता हूँ ये भी किल अपने बंदों को दे दूँ, ये वाला इसको भी मेरे पे आता है भाई, कल से मैं उड़ा देता हूँ। और लास्ट बंदा भी लेफ्ट साइड होता है इनका, दो ही, और भाई क्या किल चुराते हैं यार मेरे रैंडम टीममेट, क्या ही किल चुराते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, चलो कोई नहीं किल्स तो हैं अपने, उन लोग को भी एक दो किल करने का मौका देना चाहिए। फिर अपन यहाँ से गाड़ी उठाता है, नंबर 3 को बैठाता है, और ये देखो भाई गाड़ी से कैसे नहीं नॉक हुआ, ये पहले गाड़ी से नॉक, और मैं यहाँ क्या हवता हूँ भाई, मैं ADS खोल रहा था, गलती से मेरा प्रोन हो जाता है, ये देखो, और भाई उसकी गाड़ी से भी नहीं मरा, देख रहे भाई पता नहीं इसमें सुपर पावर थी भाई, गलत ही हो गया इसके साथ हमारे साथ। अब भाई बचा कितना, आखिरी एक बंदा बचा, अब बस मैं रेव होता हूँ, आखिरी बंदे को ढूंढने निकल जाते हैं अपन। 26 किल ऑर्डर हो गए, 27 किल कर लेते, 27 किल भी हो जाते हैं,
और आखिरी बंदा देख लो भाई कहाँ छुपा होता है, ये देखो इसके अंदर। एंड 27 किल्स चिकन डिनर फर्स्ट मैच ऑफ सीजन 13। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ऑब्वियसली बात है भाई 27 किल कम थोड़ी होते हैं, बहुत होते हैं। और यहाँ पे पहले रिजल्ट्स पे जाता हूँ। प्लस 80 हुई भाई, देख रहे हो कितनी प्लस होती है, प्लस 80 27 किल मस्त। प्लैटिनम 2 से डायरेक्ट प्लैटिनम 3 पे, आई मीन 1 पे। वॉचिंग और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। चलो बॉय।